हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। और मैं बहुत दिनों बाद आज फिर से ब्लॉग बना रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सपोर्ट कीजिएगा। एंड जिन लोग नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और आज मैं ये ब्लॉग पूरा 7:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी उठ गई और मैं फ्रेश होके आ गई, नहा भी लिया और ब्रश वगैरह वो सब कर लिया। लेकिन अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी हम क्या ब्रेकफास्ट करेंगे और बहुत कुछ बातें भी करना है, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आप आज का ये वेदर देखो, ओ माय गॉड कितना धूप है। 5 बजे से धूप निकलता है। गर्मी हो गई है कुछ दिनों से, क्या ही बताऊँ मैं। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विथ जेबिन। तो मैंने ये दूध ले लिया और इसमें ऐड किया एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, तो अभी मैं यही पी लूँगी, फिर बाद में जाएंगे ब्रेकफास्ट बनाने, कुछ रोटी सब्जी ऐसा कुछ बनाएंगे। तो पहले ये पी लेते हैं। और ये मटर और पनीर की सब्जी, साथ में सूखी रोटी बनाई है। और ये मेडिसिन्स मैं दर्शन को देने जा रही हूँ, क्योंकि उसको बहुत बुखार और वोमिटिंग हो गया। दर्शन तो पता ही है आप लोगों को, मेरे पुराने वीडियो में देखा ही होगा, जो हमारा रूम ओनर का बेटा। तो मैं उसके पास जा रही हूँ ये मेडिसिन देने के लिए। ओ माय गॉड बहुत धूप है, एकदम रूम से निकला नहीं जाता, बपरे। और धूप सूप खा के आ गई और मैं आके बनाने लग गई बनाना मिल्क शेक। तो अभी ये पी लेते हैं। और मैं ये रूम का जो मिडिल का एरिया है, ये मैं फ्लोर को ऐसे पोछा लगा रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ फ्लोर पे ही बैठना है। इतनी गर्मी की वजह से मुझे वो कहीं और बैठा नहीं जाता। तो फिर आ गई लंच बनाने। ये लंच में मैंने पोटैटो फ्राई और बैंगन फ्राई ऐसा कुछ किया और दाल बनाया, और थोड़ा सा चिकन भी है, तो वो सब मिल के हम खा लेंगे। तो चलिए हम अभी करते हैं लंच, तो चलते हैं। और ये एक बटरफ्लाई मेरा एकदम बेडशीट पे आके बैठ गया और मैंने इसको पकड़ भी लिया और ये चला भी गया। फिर मेरा जो गैस है वो ख़राब हो गया था, जो वो आग नहीं निकल रहा था, तो मैं वही मैकेनिक को बुला लिया, तो वो भी ठीक करा लिया। तो अभी तो अच्छे से निकल रहा है, ठीक हो गया। बहुत प्रॉब्लम होता है जब ये गैस ख़राब हो जाता है, तो ये भी ठीक हो गया। दोनों चूल्हा ख़राब हो गया था तो मैंने ठीक कर लिया। और मैं एकदम शाम को ये मेरा जो एलोवेरा का पौधा है, इसमें पानी दे दिया, क्योंकि धूप की वजह से सब
कुछ सूख गया। तो ये मैंने पुदीना लगाया था, ये भी बहुत हरा भरा हो गया, लेकिन इसको हर डे पानी देना पड़ता है क्योंकि गर्मी है, ऑब्वियसली सबको पता ही है। और ये साथ में मटर का जो प्लांट उगा है, ये मैंने ऐसे ही मटर फेंक के रखा था लेकिन हो गया। देखते हैं पानी दे के रखते हैं कैसा होता है, अगर होता भी है तो अच्छा है, नहीं होता भी है तो भी पता नहीं, ऐसे ही हो गया। तो मैं इन सबको पानी दे रहा था। तो गाइस मैं पानी दे के आ गई और अभी आज बहुत गर्मी है और कुछ भी शूट नहीं कर पाया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना अगले नोटिफिकेशन लिए, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू, बाय बाय।